विराट पर रोहित का दबदबा बरकरार। रोहित शर्मा ने मारी बाजी, विराट कोहली से निकले आगे। टीम इंडिया चौथे स्थान पर बरकरार। बहुत दिनों से भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच रेस लगी हुई थी और इस मामले में रोहित ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। यह हमारा रेस से मतलब आईसीसी T20 रैंकिंग से है। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बुधवार को जारी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने के लगभग करीब पहुंच गए। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक एक ड्रॉ हुई सीरीज में 72 रन बनाए, जिससे एक पायदान वह 11वें स्थान पर जबकि धवन 13वें स्थान पर काबिज हो गए हैं। बहरहाल रोहित शर्मा के चाहने वालों के लिए जरूर खुशखबरी है। वैसे ही वर्ल्ड कप के बाद दोनों के बीच तानातानी की खबरें लगातार आ रही है। वहीं रोहित के फैंस इस खबर से जश्न बना सकते हैं कि उन्होंने चहेते बल्लेबाज आईसीसी T20 रैंकिंग में विराट कोहली से अपने दबदबे को बरकरार रखा है। रोहित 8वीं पायदान पर टिके हैं जबकि विराट रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। रोहित के 664 अंक है और वह 8वें स्थान पर है। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 49 से 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं। डिकॉक ने 2 मैचों में 52 और 80 रनों की पारी खेली, जबकि एंडिले फिलुगाइन अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए। इस बीच जिम्बाब्वे के कप्तान हैमिल्टन माज़ाकाज़ा 22वें स्थान पर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान और त्रिकंडी श्रृंखला 7 विकेट से शीर्ष 7 में पहुंच चुके हैं। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान शीर्ष पर है थी, जबकि टीम इंग्लैंड दूसरे और दक्षिण अफ्रीका की टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत चौथे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के खिलाफ एक एक ड्रॉ हुई 3 मैचों की सीरीज। दूसरे मैच में कोहली ने नाबाद 72 रन की पारी खेली, इसकी बदौलत उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ और वह 11वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि धवन ने 40 और 36 रन के स्कोर बनाए, जिससे वह 3 स्थान की छलांग से वह 13वें स्थान पर पहुंच गए। रोहित इंग्लैंड के एलेक्स हेल के साथ संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर काबिज है। दोनों बल्लेबाजों ने 664 अंक हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में T20 अफ्रीका में खेली गई सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, 8 स्थान के फायदे के साथ 50वें स्थान पर पहुंच गए। मौजूदा T20 रैंकिंग में भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज, बांग्लादेश और अफगानिस्तान व जिम्बाब्वे के बीच हुई T20 सीरीज एवं आयरलैंड स्कॉटलैंड व नीदरलैंड के बीच हुई सीरीज शामिल की गई है।